वहीं शहर के विकास और निर्माण कार्य के लिए विधायक व महापौर ने 4 वार्डों में सड़क सीमेंटीकरण निर्माण में 65 लाख से अधिक लागत से विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। दुर्ग शहर के पटरी पार में विकास और निर्माण कार्य के लिए मंगलवार को विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बागलीवाल ने 4 वार्डों में सड़क सीमेंटीकरण निर्माण के लिए 65 लाख से अधिक लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक महापौर ने उपस्थित रहवासियों से कहा कि मूलभूत विकास निर्माण के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, आपकी जरूरत और सुविधाओं को देखते हुए निर्माण और विकास कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया है। गौरतलब है कि लंबे समय से पटरी पार के निवासी विकास और निर्माण की बाट जो रहे थे। पटरी पार क्षेत्र में सड़क सीमेंटीकरण की नागरिकों की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए विधायक एवं महापौर की पहल पर 65 लाख से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सभापति राजेश यादव, लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, पार्षद संजय कोहले, दीपक साहू सहित अन्य पार्षद, एल्डरमैन व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।